हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे सिक्स स्टैंडर्ड का हिस्ट्री लेसन नंबर वन, द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड हिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, लेसन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस चैनल पे आपको हिस्ट्री, सिविक्स एंड साइंस के वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफिकल कंडीशंस एंड हिस्ट्री। इन द फिफ्थ स्टैंडर्ड वी सॉ एट सम लेंथ दैट देयर इज़ अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड हिज एनवायरमेंट। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने फिफ्थ स्टैंडर्ड में भी ये देखा है कि किस तरीके से जो ह्यूमन बींग्स पहले के जो स्टेप्स थे उनके, उसमें हमें ये दिखाई देता है कि एनवायरमेंट में कितना क्लोज रिलेशनशिप यहाँ पे है, कि जो भी मैन की डेवलपमेंट हुई थी उस टाइम एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग ही हुई है। वी सॉ हाउ द चेंजेस इन द लाइफ स्टाइल ऑफ द अर्ली मैन एंड हिज टेक्नोलॉजी वेयर रिलेटेड टू द चेंजेस इन हिज सराउंडिंग। तो देखिए, जो पहले के जो एंशेंट टाइम के लोग थे, इन लोगों ने अपने लाइफ स्टाइल में धीरे धीरे से चेंजेस किए। जो भी टेक्नोलॉजीज उन्होंने फाइंड आउट की, डेवलप की, ये उनके सराउंडिंग के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किए थे, अपने अंदर चेंजेस किए थे। जैसे कि पहले के ज़माने में लोग क्या करते थे, स्टोन से बनने वाले जो टूल्स थे उनको यूज़ करते थे, लेकिन धीरे धीरे करके उन्होंने क्या किए, अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप किया और बाद में उन्होंने फिर मेटल से बनने वाले टूल्स को यूज़ करना स्टार्ट किया था। तो इसी तरीके से अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग लोगों ने क्या किया, अपने टेक्नोलॉजी, अपने लाइफ स्टाइल में चेंजेस किए हैं। वी ऑल्सो रिव्यू द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन फ्रॉम द स्टोन एज टू द एग्रीकल्चरल सिविलाइजेशन दैट फ्लरिश ऑन द बैंक ऑफ रिवर्स। तो जैसे हमने फिफ्थ स्टैंडर्ड में ईवीएस टू में ये ऑलरेडी देखा है कि किस तरीके से पहले लोग स्टोन एज था, उसके बाद कॉपर एज आया। तो उस टाइम ये लोग जो लोग थे ये एक जगह पे सेटल थे क्या? नहीं, ये हमेशा माइग्रेट होते थे एक जगह से दूसरी जगह पे। लेकिन बाद में जब उन्हें एग्रीकल्चर के बारे में पता चला, फार्मिंग करने के बारे में पता चला, उसके बाद ये लोग क्या करने लगे, एक जगह पे सेटल होने लगे, अपने घर बनाने लगे। और मोस्टली ये जो सिविलाइजेशन हमें दिखाई दिया, ये कहाँ पे है, बैंक्स ऑफ रिवर, जहाँ पे रिवर्स होती थी उनके साइड में, ये ऐसे सिविलाइजेशन हमें दिखाई देते हैं। हिस्ट्री इज़ ए कोहेरेंट अकाउंट ऑफ द सिग्निफिकेंट पास्ट इवेंट्स इन द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन कल्चर। तो देखिए, हिस्ट्री क्या होता है, हिस्ट्री का मीनिंग होता है कोहेरेंट अकाउंट ऑफ द सिग्निफिकेंट पास्ट इवेंट्स। जो पास्ट में इवेंट्स हो चुके हैं, जो भी प्रोग्रेस हमने देखी है ह्यूमन कल्चर की, ह्यूमंस की जो भी प्रोग्रेस डेवलपमेंट हमने देखी है, उन पास्ट इवेंट को हम हिस्ट्री कह सकते हैं। टाइम, प्लेस, सोसाइटी एंड इंडिविजुअल्स आर द फोर मेजर पिलर्स ऑफ हिस्ट्री। तो देखिए, अगर हिस्ट्री हमें स्टडी करनी है तो हमें चार चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, जिन्हें हम फोर मेजर पिलर्स भी कह सकते हैं, जैसे कि टाइम, प्लेस, सोसाइटी एंड इंडिविजुअल्स। तो ये चीज़ें हमें अगर पता हो तो हम हिस्ट्री को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। वी कैन नॉट राइट हिस्ट्री विदाउट देम। और इनके बिना हम हिस्ट्री ना ही लिख सकते हैं और ना ही समझ सकते हैं। ऑफ दिस फोर कंपोनेंट्स, प्लेस इज रिलेटेड टू ज्योग्राफी और ज्योग्राफिकल कंडीशंस। तो प्लेस का मीनिंग यहाँ पे क्या है, जो चार हमने चीज़ें देखी है इंपॉर्टेंट, उनमें जो प्लेस दिया गया है ये रिलेटेड टू ज्योग्राफी, मतलब उस टाइम की ज्योग्राफिकल कंडीशंस क्या थी, ये हम लोग वहाँ पे स्टडी करते हैं, इसीलिए प्लेस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इन दिस सेंस हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी आर इनसेपरेबल। तो देखिए, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी को रिलेटेड है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है या फिर क्लोजली रिलेटेड है, ये हम कह सकते हैं। हिस्ट्री इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ज्योग्राफिकल कंडीशंस इन मेनी वेज। तो कैसे, ये हम देखने वाले हैं यहाँ पे। तो देखिए, आपको पिक्चर्स दिए हैं, टाइप्स ऑफ हाउसेस अलग अलग। देखिए, तीनों जो हाउसेस आपको दिख रही है सेम है क्या? नहीं। तो हमें ये पता है कि अलग अलग रीजन में जो है, अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल कंडीशंस, वहाँ पे रेन कैसी होती है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, उसके अकॉर्डिंग घर अलग बनाए जाते हैं। अवर डाइट, क्लोदिंग, हाउसिंग, ऑक्यूपेशन, इनफैक्ट ऑल ह्यूमन लाइफ इन एनी रीजन डिपेंड्स टू अ लार्ज एक्सटेंट ऑन इट्स ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक। तो देखिए, अगर किसी भी रीजन के बारे में हम स्टडी करेंगे तो वहाँ का डाइट जो है, उनके कपड़े, घर, ऑक्यूपेशन, मतलब जो भी काम वो लोग करते हैं ज़्यादा वहाँ पे, तो ये सारी चीज़ों में हम लोगों को डिफरेंस नज़र आएगा। तो ये डिफरेंस क्यों होते हैं वहाँ पे? ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक के कारण। अगर वहाँ का क्लाइमेट अलग है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो वहाँ के कपड़े, डाइट अलग हो जाएंगे, वहाँ के जो घर होते हैं ये भी अलग होते हैं। वही अगर हम कोल्ड रीजन की बात करेंगे, जहाँ पे बर्फ गिरती है, तो वहाँ के लोगों की डाइट, क्लोथिंग, हाउसेस हमें अलग नज़र आएंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें किसके ऊपर डिपेंड होती है? ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल, द लाइफ ऑफ द पीपल इन हिली रीजन इज मोर स्ट्रेनियस दैन दैट ऑफ द पीपल ऑन द प्लेन्स। तो देखिए, यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल दिया है कि हिली रीजन में जो लोग रहते हैं और प्लेन्स में रहने वाले लोग, इनके बीच में हमें डिफरेंस तो नज़र आएगा ही।
नॉट मच फर्टाइल लैंड इज अवेलेबल इन दी हिली रीजन. तो देखिए, हिली रीजन में फर्टाइल लैंड नहीं होती है. वाइल इन द प्लेन्स इट इज़ अवेलेबल ऑन ए लार्ज स्केल. अगर बात हम प्लेन्स की करेंगे तो वहाँ पे तो फर्टाइल लैंड काफ़ी, मतलब ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे होती है. दैट इज़ वाई ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स आर स्कार्स इन अ हिली एरिया. स्कार्स का मीनिंग होता है कि कमी. अगर हिली रीजन में फर्टाइल लैंड ही नहीं है तो वहाँ पे वेजिटेबल ग्रेन्स ग्रो हो पाएंगे क्या? नहीं. तो इसीलिए हिली एरियाज में ग्रेन्स और वेजिटेबल की स्कार्स, मतलब कमी हमें दिखाई देती है. इन कंपेरिजन पीपल ऑन द प्लेन्स गेट देम इन अ सफिशेंट मेजर. लेकिन अगर प्लेन्स की बात करेंगे, वहाँ पे फर्टाइल लैंड है, इसके कारण लोग यहाँ पे ग्रेन्स और वेजिटेबल्स क्या कर सकते हैं? ग्रो कर सकते हैं. नेचुरली दिस हैज एन इम्पैक्ट ऑन द डाइट ऑफ द पीपल. और इसका ही इम्पैक्ट हमें डाइट पे दिखाई देता है. इसीलिए हमें डाइट जो है हर एक रीजन का अलग अलग दिखाई देता है, क्योंकि ये किसके ऊपर डिपेंड है? लैंड के ऊपर. वहाँ पे लैंड किस तरीके की है? इन हिली रीजन्स पीपल डिपेंड मोर ऑन हंटिंग एंड गैदरिंग फॉर देयर फूड. तो जो हिली रीजन में रहने वाले लोग हैं, ये ज़्यादा किसके ऊपर डिपेंड है? हंटिंग, मतलब शिकार करते हैं, उसके बाद गैदरिंग फॉर देयर फूड, उसके बाद क्या करते हैं? फूड गैदर करते हैं. वी ऑल्सो फाइंड अदर सच डिफरेंसेस इन द लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल ऑफ द हिली रीजन्स एंड दोज ऑफ द प्लेन्स. तो इसी तरीके से कई सारे डिफरेंसेस हमें नज़र आएंगे अगर हिली रीजन के लोग हम देखेंगे और प्लेन्स रीजन के लोग देखेंगे. तो दोनों में उनकी लाइफ स्टाइल, उनका खाना, उनके कपड़े, उनके घर, इनमें हमें डिफरेंस नज़र ज़रूर आएगा. नेक्स्ट पेज पे देखेंगे. यहाँ पे द क्लाइमेट, रेनफॉल, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, फ्लोरा एंड फौना ऑफ द रीजन वेयर वी लिव आर द सोर्सेस ऑफ अवर लाइवलीहुड. तो देखिए, अगर हमें जीना है, जीने के लिए हमें कौन सी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है? कि क्लाइमेट, हम लोग जिस रीजन में रहते हैं वहाँ का क्लाइमेट किस तरीके का है. देन रेनफॉल, वहाँ पे बारिश किस तरीके की होती है, ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है. एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का मीनिंग होता है कि किस तरीके के ग्रेन्स, वेजिटेबल्स उगाए जाते हैं. फ्लोरा का मीनिंग होता है यहाँ पे जो प्लांट्स एंड फौना, मतलब एनिमल्स किस तरीके के दिखाई देते हैं हमारे रीजन में. तो ये सारे सोर्सेस होते हैं जिनके अकॉर्डिंग हम लोग जीते हैं. द लाइफस्टाइल एंड कल्चर ऑफ ए रीजन डेवलप्स विद देयर सपोर्ट. और जो हमारी लाइफस्टाइल होती है, जो कल्चर होता है, इनसे रिलेटेड ही होता है, इनके ऊपर डेवलप होता है सब कुछ. ह्यूमन सेटलमेंट्स हैव फ्लरिश वेयर एवर द मीन्स ऑफ लिविंग आर प्लेंटीफुल. तो देखिए, ह्यूमन सेटलमेंट्स ज़्यादा फ्लरिश डेवलप कहाँ पे होगी? जहाँ पे ये जो चीज़ें लिविंग, मतलब जिंदा रहने के लिए हमें जो चीज़ें ज़्यादा मिलने वाली है, प्लेंटीफुल मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पे मिलने वाली है, वहीं पे हमारे सेटलमेंट्स बढ़ेंगे. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिस सेटलमेंट्स डेवलप फर्दर इनटू विलेजेस एंड टाउन्स. तो अगर पहले की अगर बात करेंगे, तो जब लोगों ने फार्मिंग करना स्टार्ट किया था, शुरू किया था, ये लोग रिवर के साइड में ही रहते थे ज़्यादा से ज़्यादा. लेकिन पहले उनको घर, ये लोग घर नहीं बना पाते थे. लेकिन बाद में जब उनकी डेवलपमेंट होने लगी, ब्रेन डेवलप होने लगा, उन्हें ये समझ में आया कि हम लोग एग्रीकल्चर कर सकते हैं, फार्मिंग कर सकते हैं, तो फिर एक जगह पे वो रहने लगे. उसके बाद उन्होंने हाउसेज बनाना शुरू किया. काफ़ी सारे लोग फिर ग्रुप्स में रहने लगे. उसके बाद सेटलमेंट्स डेवलप होने लगी. और यही सेटलमेंट्स का मीनिंग क्या होता है? बस्ती या फिर वसाहत जिसे हम कहते हैं. तो एक घर, दो घर, चार घर, ऐसे कई सारे ग्रुप्स के घर एक साथ में हो गए, तो सेटलमेंट्स होने लगी. और यही सेटलमेंट्स डेवलप होके फिर विलेजेस और टाउन्स बन गई. बट समटाइम्स रीजंस लाइक द डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरनमेंट, ड्रॉट, इन्वेजन एक्सेट्रा लीड टू द स्कैसिटी ऑफ दोज मीन्स. तो देखिए, यहाँ पे उसके बाद कई ऐसे रीजन दिए गए यहाँ पे कि डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट की कुछ डिग्रेडेशन हो गए, ड्रॉट, सूखा पड़ गया, और भी कोई नेचुरल डिजास्टर हो गए. पीपल आर फोर्स टू लीव देयर सेटलमेंट्स. तो देखिए, इनके कारण लोगों को ये ज़रूरत पड़ने लगी कि हम लोग एक साथ एक जगह पे सेटलमेंट्स बना कर रहेंगे. विलेजेस एंड टाउन्स बिकम डेजर्टेड. वी सी मेनी सच इंस्टेंसेस इन हिस्ट्री. तो इस तरीके के इंस्टेंसेस हमें हिस्ट्री में दिखाई देते हैं. दस वी सी दैट देर इज़ अ वेरी क्लोज रिलेशन बिटवीन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी. देखिए, अगर हिस्ट्री हम स्टडी कर रहे हैं तो उस टाइम की ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं यहाँ पे, कि उनके घर, उसके बाद उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ, किस तरीके के सेटलमेंट्स हुए. तो ये सारी चीज़ें किसके ऊपर डिपेंड है? क्लाइमेट, टेम्परेचर, रेनफॉल, ये सारी ज्योग्राफिकल कंडीशंस के ऊपर डिपेंड है. इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी क्या है, इनके बीच में क्लोज रिलेशन हमें दिखाई देता है. नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. तो हमारे इंडिया के ज्योग्राफिकल फीचर्स क्या है, ये हमें देखने हैं. अवर कंट्री इंडिया एक्सटेंड्स फार एंड वाइड. एट इट्स नॉर्थ लाइक द हिमालयाज, टू द ईस्ट द बे ऑफ बंगाल, टू द वेस्ट द अरेबियन सी, एंड टू द साउथ द इंडियन ओशन. एक्सेप्ट फॉर द आइलैंड ऑफ अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप, द रेस्ट ऑफ द कंट्री इज कॉन्टेजियस. तो देखिए, आपको एक मैप दिया है नेक्स्ट पेज पे, वो हम देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा.
देखिए यहाँ पे आपको मैप दिया है, इंडिया फिजिकल मैप दिया है। तो किस तरीके का मैप है देखिए, ये एंशिएंट टाइम का है, जब पाकिस्तान बांग्लादेश ये एक साथ में जुड़े थे, हमारे इंडिया में ही थे, उस टाइम का मैप है। तो देखिए आपको समझ में आएगा, यहाँ पे डायरेक्शन आपको दी है यहाँ पे इस तरीके से, ये है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो इंडिया के ईस्ट में आपको बे ऑफ बंगाल दिखेगा यहाँ पे, उसके बाद वेस्ट में अरेबियन सी दिखेगा, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे हम इंडियन ओशन दिखेगा आपको साउथ में, देखिए यहाँ पे, उसके बाद देखिए यहाँ पे अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये पहले का मैप है, अभी आप देखेंगे तो पाकिस्तान बांग्लादेश ये यहाँ पे नहीं दिखे, मतलब एक साथ, पहले ये कॉन्टेजियस मतलब एक ही था पूरा पार्ट। देन हम देखेंगे कि और क्या ज्योग्राफिकल कंडीशंस है, ज्योग्राफिकल फीचर्स है हमारी इंडिया के, वो स्टडी करेंगे यहाँ पे। वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट दिस रीजन हैंस फोर्थ रेफर टू एज एंशंट इंडिया। व्हेन वी स्टडी द एंशंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया बिफोर 1947 टूडेज पाकिस्तान एंड बांग्लादेश वेर ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडिया। तो 1947 के पहले की अगर बात करेंगे तो पाकिस्तान और बांग्लादेश ये भी इंडिया का ही पार्ट था। द फॉलोइंग रीजन आर सीन टू बी इंपॉर्टेंट व्हेन वी लुक एट द कोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। अगर इंडियन हिस्ट्री हमें स्टडी करनी है तो ये सारे जो नीचे पॉइंट दिए हैं इनको स्टडी करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि फर्स्ट दिया है हमें द हिमालयाज, सेकेंड द प्लेन्स ऑफ सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र रिवर्स, देन थर्ड दिया है द थार डेजर्ट, फोर्थ है द डेक्कन प्लेट्यू, फिफ्थ है द कोस्टल रीजन, सिक्स द आइलैंड इन द सीज। तो यहाँ पे देखिए हिमालय का आपको पिक्चर भी दिया है, इस तरीके के माउंटेन्स हमें दिखाई देते हैं हिमालय में, और वहाँ पे बर्फ भी दिखती है। हिमालयज द हिंदू कुश एंड हिमालय रेंजेस हैव क्रिएटेड एन इनपेनेट्रेबल वॉल ऑन द नॉर्थन साइड ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। दिस वॉल हैज सेपरेटेड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द डेजर्ट ऑफ सेंट्रल एशिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन रीड करेंगे, उसके बाद ये सारी चीज़ें हम मैप में देखेंगे। तो हिमालयस के बारे में देखेंगे कि हिंदू कुश एंड हिमालय रेंजेस हैव क्रिएटेड एन इम्पेनेट्रेबल, मतलब जिसे हम छेद नहीं पाएंगे, इस तरीके की हमें दीवार दिखाई देती है। दीवार का मीनिंग यहाँ पे जो हिमालय है इसको ही ये नाम दिया गया है कि ये हमारे देश की एक इम्पेनेट्रेबल वॉल है जिसे कोई भी नहीं छेद सकता है। दिस वॉल हैज सेपरेटेड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द डेजर्ट ऑफ सेंट्रल एशिया। तो यहाँ पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड डेजर्ट ऑफ सेंट्रल एशिया है, इसे डिवाइड सेपरेट करने का काम ये करता है। हाउएवर देयर इज अ लैंड रूट थ्रू द खैबर एंड बोलन पासेस इन द हिंदू कुश माउंटेन्स। तो हिंदू कुश माउंटेन जो है उसमें खैबर एंड बोलन पासेस हमें दिखाई देंगे। दिस रूट वॉज कनेक्टेड टू एन एंशियंट ट्रेड रूट। तो ये जो रूट है ये किसके लिए यूज़ किए जाते थे एंशियंट टाइम में, ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए। द ट्रेड रूट फ्रॉम चाइना पास थ्रू सेंट्रल एशिया एंड रीच अरेबिया। तो ये जो रूट है ये कहाँ तक जाता था, चाइना से पास होता था थ्रू दी सेंट्रल एशिया एंड उसके बाद अरेबिया, इस तरीके का ये ट्रेड रूट था। इट इज़ नोन एज दी सिल्क रूट और सिल्क रोड। और इसी रूट को क्या नाम दिया गया है, सिल्क रूट और सिल्क रोड कहा जाता था। बिकॉज सिल्क वॉज द मेन कमोडिटी एक्सपोर्टेड टू द वेस्टर्न कंट्रीज यूजिंग दिस रोड। तो इस रोड से क्या किया जाता था, सिल्क एक्सपोर्ट किया जाता था वेस्टर्न कंट्रीज को, इसीलिए इस रूट को क्या नाम दिया है, सिल्क रूट और सिल्क रोड। द रूट थ्रू द पासेस वॉज यूज बाय मेनी फॉरेन इन्वेडर्स टू एंटर एंशंट इंडिया। तो इंडिया में उस टाइम जो भी फॉरेनर्स आए ये इसी रूट से आए हैं। मेनी फॉरेन ट्रैवल्स ऑल्सो केम टू इंडिया बाय दिस रूट। तो देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर भी दिया है, खैबर पास करके नाम दिया है, और आपको यहाँ पे क्या पिक्चर दिखाई दे रहा है कि इस तरीके के ये पास थे, रूट थे, जिनको यूज़ किया जाता था यहाँ पे ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए। और इनको अभी हम देखेंगे मैप के ऊपर तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है हिमालय माउंटेन्स, यहाँ पे आपको दिया है हिमालय माउंटेन्स, ये है हिंदकुश माउंटेन्स, और इसके बीच में आपको यहाँ पे दिखाई देगा ये है खैबर पास, और उसके पास है ये बोलन पास। तो यहाँ से ही रूट जाते थे जो चाइना के लिए या फिर जो वेस्टर्न कंट्रीज थे वहाँ पे सिल्क जो है उसको एक्सपोर्ट किया जाता था। तो देखिए यहाँ पे हिमालय माउंटेन दिखाई दे रहे हैं, हिंदू कुश माउंटेन, खैबर पास यहाँ पे और बोलन पास यहाँ पे है, ये आपको याद रखना होगा। देन सेकंड फीचर कौन सा है ये हम देखेंगे, तो चलिए द प्लेन्स ऑफ द सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्रा। दिस रीजन कंसिस्ट ऑफ द बेसिन ऑफ द थ्री बिग रिवर्स सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्रा एंड देयर ट्राइब्यूटरीज। द रीजन एक्सटेंड फ्रॉम सिंध पंजाब इन द वेस्ट टू द प्रेजेंट डे बांग्लादेश इन द ईस्ट। इट वॉज इन दिस रीजन दैट द अर्लीस्ट इंडियन सिविलाइजेशन ऑफ हरप्पा एंड द लैटर स्टेट्स एंड एम्पायर्स ऑफ एंशंट इंडिया एमर्ज। तो ये पार्ट कहाँ पे दिखेगा ये हम देखेंगे हमारे मैप के ऊपर, तो आपको
ठीक से समझ में आएगा कि क्या दिया है। तो देखिए कौन सी नदियाँ हमें दी है, इंडस का मतलब होता है सिंधु का नाम, यहाँ पे पहले क्या था इंडस, तो यहाँ से आप देखेंगे इंडस नदी है, देन गंगा है यहाँ पे एंड देन ब्रह्मपुत्र यहाँ। तो ये जो पूरा रीजन था, इस रीजन में हमें जो एंशियंट सिविलाइजेशन है ये दिखाई देती है, जैसे कि आज का जो प्रेजेंट पार्ट है देश जो दिखाई दे रहा है बांग्लादेश, तो यहाँ तक ये रीजन था पूरा जिसमें हमें ये रीजन दिखाई देता है सिंधु गंगा एंड ब्रह्मपुत्र का। देन देखिए उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो सिविलाइजेशन थी जो हरप्पा सिविलाइजेशन, तो ये पूरे इस रीजन में थी। उसके बाद हरप्पा सिविलाइजेशन के बाद जो भी स्टेट जो एम्पायर्स थे वहाँ पे एंशिएंट इंडिया में एमर्ज हुए, वो इसी इलाके में या फिर जो नदियाँ थी यहाँ पे उनके यहाँ पे हुई थी, ये हम देखेंगे। उसके बाद थर्ड वन दिया है हमें द थार डेजर्ट, तो थार डेजर्ट का आपको यहाँ पे पिक्चर भी दिया है, देखिए यहाँ पे द थार डेजर्ट स्प्रेड्स अक्रॉस राजस्थान हरियाणा एंड सम पार्ट ऑफ गुजरात, अ पार्ट ऑफ द डेजर्ट लाइज इन टूडेज पाकिस्तान। अभी जो पार्ट है ये किस में गया है, पाकिस्तान में। द डेजर्ट हैज द सतलज रिवर टू इट्स नॉर्थ, अरवली माउंटेन्स रेंज टू इट्स ईस्ट, द रन ऑफ कंच टू इट्स साउथ एंड द इंडस मतलब सिंधु नदी टू इट्स वेस्ट, द घाघर रिवर दैट ओरिजिनेट्स इन हिमाचल प्रदेश रीचेज द थार डेजर्ट, इट इज़ नोन एज हाकरा इन पाकिस्तान। तो ये जो नदी आगे पाकिस्तान में जाती है इसे ही क्या कहा गया है यहाँ पे, हाकरा कहा गया है। इट्स कोर्स इन राजस्थान एंड पाकिस्तान हैज़ नाउ ड्राइड अप, तो इसका जो कोर्स है राजस्थान में दिखाई देता है और पाकिस्तान में जो है अभी ड्राइड हो चुका है। मेनी साइड्स ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन आर सिचुएटेड अलॉन्ग द नाउ ड्राई कोर्स ऑफ द रिवर, तो जो हरप्पन सिविलाइजेशन का पार्ट हमें दिखाई देता है, सिविलाइजेशन जो हमें दिखाई देता है ये कहाँ पे दिखता है, जो पाकिस्तान में ड्राइड हो चुका है कोर्स रिवर का वहाँ पे दिखाई देता है। तो चलिए मैप के ऊपर समझते हैं ये कहाँ पे है, तो आपको यहाँ पे दिया है देखो येलो कलर का, तो ये है थार डेजर्ट यहाँ पे इस तरीके का, जो पार्ट हमें हरियाणा सम पार्ट जो है हरियाणा में राजस्थान एंड गुजरात में दिखता है और जो पार्ट है कुछ पाकिस्तान में भी गया हुआ आपको दिखेगा। देन यहाँ पे हम देखेंगे कि इस डेजर्ट के नॉर्थ में हमें सतलज रिवर दिखेगी, तो कहाँ पे है, तो देखिए यहाँ पे ये सतलज रिवर आपको दिखेगी नॉर्थ में, यहाँ पे मैं सिर्फ राउंड करती हूँ तो आपको समझ में आएगा, तो सतलज नदी है। देन ये घाघर नदी है जो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश से थार डेजर्ट में आ रही है। देन उसके बाद आपको दिखेगा जो ये घाघर रिवर है ओरिजिनेट कहाँ पे होती है, हिमाचल प्रदेश में, यही फिर कहाँ पे जाती है आगे पाकिस्तान में भी जाती है जिसे हाकरा कहा जाता है। देन आपको अरवली माउंटेन्स भी दिखेंगे यहाँ पे और सतलज रिवर यहाँ पे दी गई है, तो आपको मैप अच्छे से देखना होगा ताकि आपको समझ में आएगा। तो चलिए फिर से देखते हैं कि फोर्थ हमें क्या दिया है, और देखिए यहाँ पे जो हरप्पन सिविलाइजेशन है ये हमें इस ड्राइड नदी के रिवर में कोर्स में दिखती है, ये हमने देख लिया। फोर्थ वन है द डेक्कन प्लेटी, द रीजन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया टेपर्स ऑफ द अप टू द साउथ, दिस रीजन हैज द अरेबियन सी टू इट्स वेस्ट, द इंडियन ओशन टू इट्स साउथ एंड द बे ऑफ बंगाल टू इट्स ईस्ट, अ रीजन दस बाउंड बाय द सी ऑन थ्री साइड्स इज कॉल्ड अ पेनिनसुला। तो देखिए यहाँ पे कहाँ पे दिख रहा है मैप में, ये समझ लेंगे पहले कि डेक्कन प्लेटी, तो डेक्कन प्लेटी, तो देखिए इंडेक्स में हमें दिया प्लेटी के लिए ब्राउन कलर दिया है, तो मैप में आपको इजीली समझ में आएगा कि प्लेटी कहाँ पे दिख रही है आपको, देखिए यहाँ पे, तो नॉर्थ साउथ साइड में, इंडिया के साउथ साइड में आपको ये जो पूरे ब्राउन कलर का पार्ट दिख रहा है ये है डेक्कन प्लेटी। उसके बाद हमें क्या दिया है यहाँ पे, दिस रीजन हैज़ द अरेबियन सी इट्स वेस्ट, तो वेस्ट कौन सी साइड हो जाएगी, ये वाली, तो वेस्ट साइड में हमें क्या दिख रहा है, अरेबियन सी दिख रहा है। उसके बाद क्या दिया है हमें, सह्याद्री माउंटेन्स, सॉरी इंडियन ओशन टू इट्स साउथ, इंडियन ओशन हमें कहाँ पे दिख रहा है, साउथ में, तो यहाँ पे हम देखेंगे, देखिए इंडियन ओशन हमें जो प्लेटीज है इसके साउथ में हमें दिख रहा है। देन बे ऑफ बंगाल टू इट्स ईस्ट, और ईस्ट साइड में हमें दिख रहा है बे ऑफ बंगाल, एंड अ रीजन दस बाउंड बाई द सी ऑन थ्री साइड्स इज कॉल्ड पेनिनसुला। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे अच्छे से तो ये पूरा जो पार्ट है, ये जो डेक्कन प्लेटी दिख रहा है इसके तीनों साइड से, मतलब यहाँ पे अरेबियन सी है, उसके बाद इंडियन ओशन है, बे ऑफ बंगाल, मतलब तीनों साइड से यहाँ पे हमें पानी दिख रहा है, तो इस पार्ट को कहा जाता है पेनिनसुला। तो ये इंडिया का पेनिनसुला है जिसके तीनों साइड में हमें क्या दिख रहा है, पानी दिख रहा है। देन हम फिर से वापस जाएंगे कि नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या दिया है वो देख लेंगे, उसके बाद फिर से मैप देखेंगे। द माउंटेन्स रेंजेस ऑफ द विंध्य एंड सतपुड़ा आर लोकेटेड टू दी
नॉर्थ ऑफ द डेक्कन प्लेटी द सह्याद्री माउंटेन रेंजेस आर टू इट्स वेस्ट। तो वेस्ट में आपको क्या दिखेंगे यहाँ पे, सह्याद्री माउंटेन्स दिखेंगे इसके, एंड दे आर ऑल्सो नोन एज दी वेस्टर्न घाट्स। और इसे ही क्या कहा जाता है, वेस्टर्न घाट कहा जाता है। टू द वेस्ट ऑफ द सह्याद्री इज द कोस्टल रीजन ऑफ कोकन एंड मालाबार। तो इस साइड में वेस्ट में हमें क्या दिखेंगे सह्याद्री के, कोकन रीजन और मालाबार दिखेगा। एंड द माउंटेन्स ऑफ द ईस्टर्न साइड ऑफ द डेक्कन प्लेटी आर नोन एज द ईस्टर्न घाट। और ईस्टर्न साइड में जो माउंटेन्स है उसे ईस्टर्न घाट भी कहा जाता है। डेक्कन प्लेटी हैज फर्टाइल लैंड वेयर मेनी पोस्ट हरप्पन एग्रियन कल्चर फ्लरिश। तो डेक्कन प्लेटी है यहाँ पे फर्टाइल लैंड ज़्यादा है, इसके लिए हरप्पन सिविलाइजेशन या उसके बाद की जो सिविलाइजेशन हुई ये यहाँ पे फ्लरिश हुई, मतलब डेवलप हुई थी। डेक्कन प्लेटी वॉज ए पार्ट ऑफ द मौर्य एम्पायर द लार्जेस्ट इन एंशंट इंडिया। तो मौर्य एम्पायर जो है ये मोस्टली डेक्कन प्लेटी पर ही डेवलप हुए थे। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द मौर्य एम्पायर टू सेवरल अदर किंगडम्स एंड स्मॉलर एम्पायर्स कंटिन्यू टू फ्लरिश इन दिस रीजन। तो मौर्य एम्पायर के बाद भी कई सारे किंगडम्स यहाँ पे छोटे मोटे फॉर्म हुए थे। तो देखिए जो भी हमें यहाँ पे दिया है, फिर से हम देखेंगे मैप के ऊपर। तो देखिए यहाँ पे डेक्कन प्लेटी के आप अगर ईस्टर्न साइड में देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखेंगे ईस्टर्न कोस्ट, और इसे ही कहा जाता है ईस्टर्न घाट। और अगर यहाँ पे वेस्ट साइड में देखोगे तो आपको सह्याद्री माउंटेन्स नज़र आएंगे, जिसे वेस्टर्न घाट भी कहा जाता है। देन उसके बाद क्या दिया है आपको, देखिए कोकन रीजन जो इस साइड में हमें दिखाई देगा वेस्टर्न साइड में, कि कोकन एंड मालाबार दिखाई देगा। देन उसके बाद नॉर्थ साइड में हमें दिखेंगे विंध्या एंड सातपुड़ा पर्वत, और सह्याद्री माउंटेन के रेंजेस तो आपको यहाँ पे दिख रहे। तो इसे कहा जाता है वेस्टर्न कोस्ट एंड ईस्टर्न घाट ईस्ट साइड में आपको दिखाई देंगे। तो ये जो सारी चीज़ें आपको लेसन में दी है, इनको आप मैप में अच्छे से देखोगे तो आपको सब कुछ इजीली समझ में आ जाएगा। द कोस्टल रीजन्स फ्रॉम द टाइप ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन एंशियंट इंडिया हैड ट्रेड रिलेशन विद द वेस्टर्न कंट्रीज। तो हरप्पन सिविलाइजेशन के टाइम से ही इंडिया के जो रिलेशंस है वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ व्यापार होता था। दिस ट्रेड वॉज कैरिड ऑन बाय सी। ये जो भी व्यापार होता था, ट्रेड होता था, ये बाय सी जो रूट्स थे उनको यूज़ किया जाता था। देयर फॉर इंडिया हैड डेवलप कॉन्टैक्ट एंड इंटरेक्शन विथ फॉरिन कल्चर्स एंड पीपल्स एट द सी पोर्ट्स। तो ये जो उनके कॉन्टैक्ट्स थे ट्रेड को लेकर, व्यापार को लेकर, ये बाद में धीरे धीरे करके क्या होते गए, डेवलप होते गए। लेटर्स ऑन लैंड रूट्स केम टू बी यूज फॉर ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट। और उसके बाद पहले तो सी रूट जो होते थे उनको यूज़ किया जाता था, लेकिन बाद में लैंड रूट्स को भी ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ करने लगे थे। बट द इम्पोर्टेंस ऑफ सी रूट्स डिड नॉट डिमिनिश। तो देखिए यहाँ पे हमें यही समझ में आता है कि उस टाइम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो सी रूट्स थे उनको यूज़ करते थे। 6th दिया है द आइलैंड इन द सी। अंडमान एंड निकोबार आर दी इंडियन आइलैंड इन दी बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल में हमें अंडमान एंड निकोबार, ये इंडियन आइलैंड दिखाई देंगे। लक्षद्वीप इज ए ग्रुप ऑफ इंडियन आइलैंड इन द अरेबियन सी। द लोकेशन ऑफ दिस आइलैंड मे हैव बीन इम्पोर्टेंट इन एंशियंट सी ट्रेड। तो एंशियंट टाइम में भी ये आइलैंड को मतलब इम्पोर्टेंस था ट्रेड के लिए। देन द मैनुस्क्रिप्ट पेरिप्लस ऑफ द एरेथ्रियन सी और हैंडबुक ऑफ द रेड सी मेक्स अ मेंशन ऑफ इंडियन आइलैंड। तो ये जो बुक्स पहले मैनुस्क्रिप्ट जो है ये जो मिले हैं उनमें भी ये मेंशन किया गया है इंडियन आइलैंड के बारे में। इट हैज़ बीन रिटन बाय एन अननोन ग्रीक सेलर। वो ये किसने लिखे थे ये सारे बुक, ग्रीक सेलर थे कोई अननोन, उन्होंने ये लिखे थे। देखिए यहाँ पे हमें फिजिकल इंडिया का जो मैप है ये दिया है, तो आपको अच्छे से देखना होगा कि कहाँ पे हिमालय माउंटेन दिया है, कहाँ पे थार डेजर्ट है, डेक्कन प्लेटी कहाँ पर है। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं एग्जाम में कि शो द फॉलोइंग ऑन एन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। फर्स्ट आपको दिया है हिमालय माउंटेन, थार डेजर्ट एंड ईस्ट कोस्ट। तो देखिए आपको सिर्फ मैप का आउटलाइन दिया जाएगा और फिर आपको यहाँ पे शो करना होगा कि हिमालय माउंटेन्स कहाँ पे है। तो आप दिखा सकते हो कि हिमालय माउंटेन यहाँ पे है, देन थार डेजर्ट यहाँ पे है, उसके बाद आपको क्या दिया है कोस्ट, जो ईस्टर्न कोस्ट है तो यहाँ पे है। इस तरीके से आपको मैप में दिखाना होगा, इसके लिए आपको मार्क्स मिलेंगे। तो याद रखना होगा ये आपको। द इंडियन सब कॉन्टिनेंट द सिटीज़ ऑफ हरप्पा एंड मोहनजोदड़ो आर इन टूडेज पाकिस्तान। जो हरप्पा एंड मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन की जो सिटीज़ थी ये आज के पाकिस्तान के रीजन में है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड इंडिया टुगेदर फॉर्म द रीजन नोन एज साउथ एशिया। तो ये सारे देश मिलकर जो रीजन फॉर्म होता है उसे साउथ एशिया कहा जाता है।
कंसिडरिंग द एक्सपांशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया इन दिस रीजन इट इज़ ऑल्सो नोन एज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो जो इंडिया का एक्सपांशन जो इस रीजन में हुआ है उसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। द हरप्पन सिविलाइजेशन हैड स्प्रेड मेनली इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो हरप्पन सिविलाइजेशन का जो मोस्ट पार्ट जो है मेनली जो स्प्रेड हुआ है ये कहाँ पे है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में इंडियन सब कॉन्टिनेंट के। चाइना एंड म्यांमार अवर नेबरिंग कंट्रीज आर नॉट ए पार्ट ऑफ साउथ एशिया और द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो देखिए चाइना और म्यांमार जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज है, हमारे पड़ोसी कंट्रीज है, ये हमारे साउथ एशिया का या इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट नहीं है। हाउएवर दे हैड कल्चरल एंड ट्रेड रिलेशन विद एंशेंट इंडिया। लेकिन इनके जो कल्चरल और जो ट्रेड रिलेशन है ये एंशेंट टाइम से ही है। दे हैव एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द स्टडी ऑफ एंशेंट इंडियन हिस्ट्री। तो इनके भी हमें नेक्स्ट जो लेसन है या फिर उसके बाद के जो लेसन है इसमें ये सारी चीज़ें हमें सीखने मिलने वाली है। तो ज़रूर आप क्या करो, यहाँ पे जो नेक्स्ट लेसन आने वाले हैं, नेक्स्ट लेसन के वीडियोस आने वाले हैं, उनको भी ज़रूर देखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।